अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं फल्ली के लड्डू। इसके लिए मैं मेजरमेंट के लिए आप लोगों को बताने के लिए रखी, ये एक कटोरा गुड़ है, वो इस कटोरे से एक कटोरा फल्ली है। इसे मैं रोस्ट करके ऐसे पीसेस में करके रख ली, ऐसा छिलटा निकाल के इसे पहले से ऑलरेडी भुन के रख ली। मैं ऐसे पीसेस कर लेंगे हम इसे। अब हम चिक्की बनाने का प्रोसेस देखेंगे। एक कढ़ाई में हम गुड़ हम गुलने के लिए रख देंगे। इसमें एक छोटी गिलास चाय की गिलास के उतना पानी डाले हम इसके अंदर। अब गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे मिक्स करते हुए मिला गुला लेंगे गुड़ को। पानी डालने से जल्दी मेल्ट हो जाता गुड़, अगर पानी नहीं डाले तो जल जाता नीचे। इसलिए मैं एक छोटी गिलास चाय की गिलास के उतना पानी ऐड करी इसके अंदर। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। अब हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे। इसमें अगर कुछ भी कचरा रहा तो निकल जाता। अब हम इसे गुड़ को हम छान लिए एक कटोरे में। अब हम इसमें ऐड करेंगे अब हम गुड़ को पका लेंगे गाढ़ी चाशनी हुए तक हम इसे पका लेंगे हिलाते हुए सब। बहुत टेस्टी बनती है फल्ली के लड्डू। अब एक कटोरे में हम पानी ले लेंगे। इसके अंदर हम चाशनी चेक करेंगे। ये चाशनी अच्छे से सा ऐसा बॉल बने तो अब हम चाशनी हमारी रेडी है। अब हम इसमें फल्ली ऐड करेंगे। फल्ली अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम एक प्लेट में घी अप्लाई करके रख डाले। अब हम इसमें फल्ली और गुड़ का मिक्सचर ऐड करेंगे। अब हम घी लगा के रखे से प्लेट में हम ये फल्ली को निकाल लिए। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बहुत गर्म है, ये गर्म में लड्डू नहीं बनते। ये थोड़ी देर ठंडा हुए बाद हम बनाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा घी हाथ को लगा के हम इसके लड्डू बनाएंगे। ऐसे हम सारे लड्डू फोल्ड कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये लड्डू नहीं बनते, थोड़ा गर्म रहे तो कुछ बनाना ये लड्डू। अब हम लड्डू बना के रेडी हो गए। इसे अब हम डिश आउट करेंगे। फल्ली के लड्डू बन के रेडी हो गए। ये आप लोग भी इसे एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे टेस्टी बनते। अगर आप लोगों को ये लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो फल्ली के लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे अच्छे डिशेज़ के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।